नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों तो जान लेते हैं आज का लव मंत्रा, आया मौसम प्यार का। जी हाँ दोस्तों, प्यार भरा मौसम आ चुका है, जहाँ हर तरफ सब कुछ नया नया है। मन में नई उमंगे, दिल में नए जज्बे, विचारों में नयापन, पेड़ों पे कोपलों और सभी मानो नई ऋतु का स्वागत कर रहे हो। वसंत ऋतु को शास्त्र में भी प्यार का मौसम कहा गया है। हवाओं में हल्का सा सर्दपन लिए हुए ये मौसम अपने आप में ही एक अलग अनुभूति देता है। दोस्तों इस मौसम में हरा भरा मन प्यार में खो जाने को बेताब रहता है। कोयल की मधुर आवाज, फूलों की महक, हर तरफ छाया प्यार का खुमार, यकीन ही हमें कोई ना कोई लड़की दिलाता है। और अगर हमारे जीवन में अब तक कोई खास नहीं आई है तो उसे मिलने की आस लगी रहती है। हर साल इसी मौसम में सबसे ज्यादा प्रेमी युगल अपने रिश्ते को नया आयाम देते हुए शादी के खूबसूरत बंधन में बन जाते हैं, और ऐसा होने में लाजमी भी है, क्योंकि इस मौसम की हवाओं में प्यार ही तो बरसता है। तो फिर लोगों के दिलों में प्यार ही होना स्वाभाविक है। पूरे विश्व में मनाया जाने वाला प्यार का त्योहार वैलेंटाइन डे भी इसी मौसम में आता है। एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए अपनी दुनिया में मशगूल प्रेमी जोड़ों को देखना बहुत ही सुखद अनुभूति है। इन्हें देखकर यूं लगता है मानो समाज में बुराई, नफरत, जलन, ईर्ष्या ऐसी कोई चीज जगह ही नहीं ले पा रही है, और जो भी बची है सब तरफ प्यार की खुमाई छाई हुई है। लेकिन यह सिर्फ हमारी सोच तक ही सीमित रह जाता है। अगर असल जिंदगी में इनका ठीक उल्टा होता हुआ दिखाई देता है। अक्सर युवा इसी प्यार की खुमारी में अपने हदें पार कर बैठते हैं और अपनी हवस को ही प्यार समझ लेते हैं, और गुनाहों की दलदल में कदम रखने के लिए भी रुक नहीं पाते। वो भूल जाते हैं कि प्यार कोई खेल नहीं है जिसमें कोई हार जीत हो। प्यार तो महज एक ऐसा एहसास है जो कब कहां किसके लिए जाग जाए ये पता नहीं चलेगा। हर एहसास में सब कुछ अच्छा लगने लगता है, सारी दुनिया रंगीन नजर आने लगती है, और हमें तो बस प्यार का नशा होने लगता है। प्यार में होना या प्यार का कई गुना बस प्यार के जोश में होना आपको खो देता है। आज युवाओं की जरूरत इस मूल मंत्र को दिल के और दिमाग में बिठा लेने की कि हवस सब कुछ नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखकर आप भी प्यार भरे इस मौसम में अपनी भावनाओं को बहने दीजिए, अपने दिल में प्यार को घर करने दीजिए और अपने प्यार के साथ भरपूर आनंद लीजिए इस खास मौसम का, जो सिर्फ आपके और आपके प्यार के लिए है। तो दोस्तों ये प्यार का मौसम आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।